वेलकम क्लास इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉइल दिस इज द इम्पॉर्टेंट ए वायटिक फैक्टर एंड दिस इज आल्सो नोन एज द इडाफिक फैक्टर या तो सॉइल आ जाए या तो इडाफिक फैक्टर आ जाए दोनों का एक ही मीनिंग है इसको हम इडाफिक फैक्टर भी बोल देते हैं देखो इसमें हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है सबसे पहले उसकी लेयर्स कितनी हैं फिर सॉइल में पार्टिकल्स कौन से हैं उस बेसिस के ऊपर कितने टाइप्स की सॉइल हैं और उसके ऊपर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल के ऊपर रहते है हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इसमें देखेंगे अब यहां पे देखिए सबसे पहले सॉइल की फॉर्मेशन सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो दो स्टेजेस में होती है दो स्टेजेस में सॉइल की फॉर्मेशन होती है पहली स्टेज जो ये है वैदरिंग ऑफ रॉक्स जिसको हम बोलते हैं और दूसरी स्टेज जो है वो है पीडोजेनेसिस वैदरिंग ऑफ रॉक्स वैदरिंग का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन ठीक है जब भी कोई चीज़ टूटती है टू ब्रेक डाउन उसको हम बोलते हैं वैदरिंग और किसकी रॉक्स की वैदरिंग होगी जो बड़ी बड़ी चट्टान हैं आपकी वो टूटेंगी तो वो पहला स्टेज है सॉइल को बनने का फिर दूसरा जो है जब सॉइल उसकी आ, प्रोसेसिंग जो है वो चलती है टूटने के बाद तो ट्रू सॉइल जो है वहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है सबसे पहले यहाँ पे देखिए वैदरिंग ऑफ रॉक्स जब बड़ी बड़ी चट्टान आपकी टूटेंगी किस तरीके से वो टूट सकती हैं या तो वो फिजिकल बायोलॉजिकल या केमिकल मेथड से टूट सकती हैं या तो कोई केमिकल रिएक्शन उनके ऊपर होगा रॉक्स के ऊपर तब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी आप फिजिकल फोर्स लगाएंगे दैट इज फिजिकल मेथड तब वो टूट जाएंगी दूसरा बायोलॉजिकल मेथड बायोलॉजी मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर एक्ट करेगा जैसे प्लांट एनिमल बैक्टीरिया हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए वो किसी रॉक्स के ऊपर एक्ट करेंगे तब वो टूटना जो है स्टार्ट करेगी दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सॉयल फॉर्मेशन सेकेंड जो आ जाएगी उसको हम बोलते हैं पीडोजेनिसक्ट पीडोजेनेसिस ठीक है पीडोजेनेसिस एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पीडोजेनेसिस सीधी से जेनेसिस मतलब बनना यानी सॉइल का बनना उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस अब ये बनता कैसे है जैसे जो आपकी वेदर रॉक है वेदर जो आपके मिनरल मैटर है एंड द डी कम्पोस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो भी है उसकी उसमें भी चेंजेस आएंगी या बायो केमिकल चेंजेस आएंगी बायोफिजिकल चेंजेस आएंगी या जियो केमिकल चेंजेस आएंगी और उसके बाद वो ट्रू सॉयल में कन्वर्ट होगा उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे पीडोजेनेसिस और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं पीडोलॉजी का क्वेश्चन अगर आपको आता है स्टडी ऑफ सॉइल इज़ नोन एज पीडोलॉजी एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस तो पीडोजेनेसिस ऐसे होता है ठीक है जो भी वेदर्ड आपकी रॉक है पहले टूटी फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग चलेगी आई इधर बायो केमिकल बायोफिजिकल जियो केमिकल कोई भी एक्शन रिएक्शन उनके ऊपर होगा प्लांट्स का एनिमल्स का माइक्रो ऑर्गेजम का तो जो एक्शन रिएक्शन जब उनके ऊपर होगा तब वो धीरे धीरे जो है वो ट्रू सॉयल में कन्वर्ट हो जाएंगी ट्रू सोइल मतलब आपकी जो सॉइल जो टॉप मोस्ट लेर है लैंड की डेट इज़ सॉयल उस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे है दीज आर द लेयर्स ऑफ सॉइल्स ठीक है इतना हो गया तो आगे है लेयर्स ऑफ सॉइल अब सॉइल्स की लेयर्स कौन कौन सी हैं एक्चुअली दिस आर डिवाइडेड इनटू फोर रीज़न वी हैव टू रिमेंबर दिस आर डिवाइडेड इनटू फोर रीजन ए बी सी डी इस तरह से याद रखना है लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ पे कि ए रीज़न जो है वो फाइव जो है सब डिविज़न में डिवाइड है आगे बी वैसा ही है सी वैसा ही है और डी वैसा ही है ठीक है ए जो है फर्स्ट डिवाइड है O1, ओ टू ठीक है यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको आप आ, नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पे मैं समझा देती हूँ ठीक है फर्स्ट इज़ O1, ओ टू ए वन ए टू ए थ्री ठीक है इस तरह से डिवाइड हो गए पाँच ओवन ओ टू दो और ए वन ए टू ए थ्री दिस इज़ द ए हॉरिजन ठीक है ए रीजन वी कैन कॉल एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट ए हॉरिजन भी हम इसको बोल सकते हैं तो यहाँ पे देखो ए जो हॉरिजन है अब इसमें क्या क्या है ठीक है कौन कौन सी लेयर्स इसमें है वो हम इसमें पढ़ते हैं फिर सेकंड जो आता है आपका बी हॉरिजन थर्ड जो आता है सी हॉरिजन और फोर्थ जो आता है आपका डी हॉरिजन ए हॉरिजन में देखिए सबसे पहले जो ओवन जो लेयर है ओवन न, उसमें क्या है देखिए ये जो है यहाँ पर अभी अभी पत्ते जो हैं वो गिरे हैं पेड़ से ठीक है फ्रेशली फॉलन लीव्स आइदर पार्ट्स पार्ट ऑफ प्लांट्स लीव्स, ट्रीग्स वो यहाँ पे फ्रेशली अभी अभी गिरे हैं दैट फॉर्म्स द फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट इज ओवन फर्स्ट ओरिजिन की फर्स्ट लेयर बनाती है ओवन ठीक है वहाँ पे अभी फ्रेशली फॉलन लीव्स बने हुए पड़े हुए हैं अब यहाँ पे ओटो रीजन को दो में डिवाइड किया गया है डेटरेटस और डफ यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है डेटरेटस और डफ का मीनिंग लिखा हुआ है इसको हम देखते हैं ए वन जो है देखिए आगे ए वन आएगी ठीक है इस तरह से ये डार्क कलर्ड है और यहाँ पे ह्यूमस की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है ठीक है अब हम यहां तक देख लेते हैं डेट्रेटस क्या होता है डफ क्या होता है ह्यूमस क्या होता है सबसे पहले आप याद रखेंगे टॉप मोस्ट लेयर उसमें भी फ्रेशली फॉलन जो है लीव्स गिरे अब वो धीरे धीरे जो है वह डीकम्पोज होना स्टार्ट होंगे अब जब डीकम्पोज होना स्टार्ट होंगे उसी को हम बोलते जाएंगे दैट इज ओ वन ओ टू ए वन ए टू ए इस तरह से हॉरिजन जो है वो लेयर जो है वो सॉइल की बनती जाएंगे जैसे देखिए फॉरेस्ट में ये ज्यादा डिवेलप होगी जब भी आप कोई चीज़ खोदना शुरू करते हैं मिट्टी खोदना शुरू तो अब आप क्या करते है? हैं पहले सूखे पत्ते वहां से हटाते हैं दैट इज़ द फर्स्ट लेयर सूखे पत्ते वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू करेंगे आप और जो है वो डिगिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे तो आपको नीचे लेयर्स जो है वो सॉइल की मिलती जा, जाएंगी तो सबसे पहले आपको फ्रेशली फॉलन लीव्स ही मिलेंगे दैट फॉर्म्स ओवन एंड ओ टू फॉर्म्स जब यहाँ पे ओ टू जो है उसको फर्दर जो दो रीज़न में डिवाइड किया गया है दैट इज डेट्रिटस एंड डफ में डिवाइड किया गया अब ये क्या है जब ये डेट्रिटस और डफ जो है वो

है, जब ये शुरू जो डी होना शुरू हो जाएगा पूरी तरह से बोलेंगे खाद बनाते हैं हम लोग तो वो उसको हम बोलेंगे ये चीजें जो है टर्म्स जो है वो याद रखना जरूरी है समझने के लिए डफ देखिए पार्शली डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पार्शली ठीक है पार्शली होता हाफ हाफ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर बाय द सेप्रोफेटिक एक्शन कोई भी बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करेगा तभी वो डिकम्पोज होगा तो पार्शली हुआ है तो डफ पूरा हो चुका है तो ह्यूमस इसी तरह से लेयर बाय लेयर चलेगा देखो यहीं पे लिखा है यहाँ डेटोरेटस डफ एंड लास्ट में ह्यूमस ह्यूमस डार्क कलर है डार्क कलर खाद जो आपकी डार्क कलर ही होती है तो ये आपकी खाद जो है वो यहाँ पर बनगी और लास्ट में ह्यूमस देखी ये फुली डिकम्पोज है ठीक है बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं सब कुछ यहाँ पे लिखा है समझा दिया वो फुली डिकम्पोज जो पूरी तरह से डीकम्पोज हो जाएगा तब तो हम उसको बोलेंगे ह्यूमस एंड एंड फाइनली फाइनली डिवाइड डिवाइडेड डार्क एंड एमार्फस ऑर्गेनिक मैटर प्रोसेस ऑफ अगर आपको पेपर में पे वन मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए अलग से यहाँ पे लिखा है और उसको रेड कलर से अंडरलाइन किया है क्योंकि आ सकता है बट इज ह्यूमिफिकेशन दैन यू विल राइट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन एंड और ह्यूमस क्या है आगे आप ये भी डिफाइन करेंगे इट इज़ फुली डिकम्पोज फुली फुली पार्शली पार्शली तो डफ आ जाएगा एंड इफ यू राइट इफ़ यू यूज़ द वर्ड फुली दैट इट मीन्स इट इज़ ह्यूमस फुली डिकम्पोज एंड फाइनली डिफाइड डार्क एंड एम्फोरफर्स ऑर्गेनिक मैटर दैट इज़ ह्यूमिफिकेशन अब यही जो है आपकी खाद जो बनती है उसको कौन यूज़ करता है प्लांट यूज़ करते हैं ठीक है वहाँ से मिनरल्स न्यूट्रेंट्स उसको एक्स्ट्रैक्ट करते हैं और उसको वहाँ से यूज़ करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन अब यहाँ देखिए आगे एज द ब्रेकिंग ऑफ ह्यूमस अब इसी ह्यूमस का जो है वह ब्रेक डाउन होगा द ब्रेकिंग ऑफ ह्यूमस इंटू मिनरल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन तो दो तरह के डेफिनेशन आपको यहां से आ सकते हैं ह्यूमिफिकेशन क्या होता है और मिनरालाइजेशन क्या होती है ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस का बनना दट इज़ ह्यूमिफिकेशन और इसके आप डेफिनेशन भी आगे इसका मीनिंग भी लिखेंगे बट इज़ ह्यूमस इट इज़ फुली कम्पोज फुली डी कॉम्पोस्ड एंड फाइनली डिवाइड द ऑर्गेनिक मेटर विच इज़ डार्क इन कलर एंड मिनरलाइजेशन वैन ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूमस इंटू मिनरल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ नोन एज द मिनरलाइजेशन इस तरह से लिखेंगे ठीक है ये ऊपर वाले लेयर हो जाएंगे एक बार फिर से रिपीट करूँगी जल्दी तो आपको समझ में आ जाएगा पहले आप इसकी टर्म टर्मनोलॉजी जो है उसको समझिए अब देखिए यहाँ पे ए वन जो है लेयर उसके बाद आती है ए टू ए टू भी इम्पॉर्टेंट है पढ़ना यही है जोन ऑफ एलुविएशन एलुविएशन जिसको हम बोलते हैं ये लाइट कलर होती है अब लाइट कलर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ये यह ध्यान से सुनने वाली चीज़ है क्योंकि यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस के थ्रू जो मिनरल्स हैं वो दूसरी लेयर में चले जाते हैं मेनली एल्यूमिनियम एंड आयरन ठीक है मेनली बट और भी मिनरल्स इसमें होते हैं क्योंकि यहाँ से लीचिंग प्रोसेस से वो वॉश आउट होते जाते हैं दैट इज़ लेयर कौन सी है ए टू ए टू लेयर जोन ऑफ एलोवेशन ई लगाएंगे आप लोग ई e लगाएंगे अब इससे मिलता जुलता देखो ये ए थ्री जो है वो ट्रांजेशन जोन आ गया बिटवीन ए एंड बी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है ए थ्री ए थ्री लास्ट जो है वो लेयर है ए की और स्टार्टिंग है बी ऑरिजन का दिस इज ए ट्रांजिशन बिटवीन ए एंड बी इसलिए इसको ट्रांजेशन जोन भी हमने बोला ट्रांजिशन बिटवीन ए एंड बी भी हम बोल सकते हैं ठीक है बिटवीन ए एंड बी नेक्स्ट बी ऑरिजन में क्या होता है इट इज ऑल्सो डार्क कलर जैसे कि ह्यूमस जो था एवन जो थी वो डार्क कलर थी ये भी जो है वो डार्क कलर है एंड दिस इज नोन एज द जोन ऑफ एलुविएशन एलुविएशन आप बोल सकते हैं एक एलुविएशन आप बोल सकते हैं ई e से और दूसरे को इलुवेशन आई से इलुवेशन आप बोल सकते हैं तो यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे डार्क कलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो ऐड होंगे मेनली आयरन एंड एल्युमिनियम एल्युमिनियम और भी ऐड होंगे लेकिन मेनली जो मिनरल्स हैं वो ये वाले ऐड होंगे ठीक है तो दिस इज़ नोन एज जोन ऑफ एलुविएशन वन मार्क्स क्वेश्चन जोन ऑफ एलुविएशन किसको बोलते हैं बी ठीक है एलोवेशन किसको बोलते हैं दैट इज़ ए कौन सा ए टू टू ठीक है ए वन ह्यूमस ठीक है और उसके ऊपर जो है ओ टू है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू ठीक है इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं देखो सी और डी आपको इजीली याद हो जाएगा डी जो है सबसे लास्ट वाला वो वहाँ पे बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो अभी तक टूटी नहीं है अनवेडेड रॉक्स और पेरेंट रॉक और वी कैन कॉल वेड रॉक जो वो यहाँ पे डी हॉरिजन में प्रेजेंट है ठीक है पेरेंट रॉक और वी कैन से अनवैदर्ड रॉक और बेड रॉक भी कैनाल्सों से वो यहाँ पे डी हॉरिजन में प्रेजेंट है ठीक है बड़ी बड़ी चट्टानें आपको दिख रही हैं छोटी छोटी जो हैं वो आपको सी हॉरिजन में दिख रही है यहाँ पे पेरेंट रॉक जो है वेदर ठीक है वेदरिंग यहाँ पे ये यह यहाँ पे टूट के यहाँ पे ठीक है सी हॉरिजन में ठीक है अब इसमें कैसी है पार्शली अनवैदर्ड वी कैन से पार्शली अनवैदर्ड पूरी तरह से वैदरिंग यहाँ पे नहीं हुई है पूरी तरह से हो जाएगी तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन ये सॉयल के नीचे वाली सी हॉरिजन है यहाँ पे पार्शली अनवैदर्ड है छोटी छोटी चंडाने जो है वो प्रेजेंट है जो पेरेंट बेड रॉक से टूट के आई हैं पेरेंट जहाँ पे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होगी वो एज इट इज वैसिंग है डी हॉरिजन थोड़ी सी टूटेंगी सी और इजन सॉइयल फॉर्मेशन जब स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वाली लेयर्स जो है वो फॉर्म करती जाएंगी ठीक है इस तरह से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको क्या पड़ा इसमें ठीक है सबसे पहले आपने देखा सॉइल विच इज ऑल्सो नोन एज एड फैक्टर एंड सॉइल फॉर्मेशन दो स्टेजेस में होती है वैदरिंग ऑफ रॉक्स फर्स्ट बैदरिंग होती है फिर पीडोजेनिस होती है बैदरिंग मतलब रॉक्स टूटती हैं और फिर जो एक्चुअल सॉयल फॉर्मेशन जो है प्रोसेस तो उसका स्टार्ट होता है बैदरिंग मेथड देखे आपने केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल किसी भी तरह से आपकी रॉक्स जो है वो टूट सकती हैं फिर वो सॉइल की फॉर्मेशन स्टार्ट करना आ, शुरू कर देंगी उसके बाद आपके टाइप जो लेयर्स हैं लेयर्स कितनी हैं सोइल की ए बी सी डी चार हैं ए बी सी डी ए जो है वो पाँच में डिवाइडेड है ए वन ए टू ए टू फर्दर डिवाइडेड है ठीक है ए टू जो है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें डेटरिटस uh, और डफ में ओ टू ठीक है ओ वन हाँ ओ वन ओ टू ए वन ए टू ए थ्री ठीक है यही बोला मैंने ठीक है चार में डिवाइडेड है आपके यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ मैं ठीक है लेयर्स ऑफ सॉइल कितनी है ए बी सी डी ए बी सी और डी ए जो है वो पांच में डिवाइडेड है ठीक है ओ वन ओ टू और ओ सॉरी ए वन ए टू ए थ्री ए वन ए टू और ए थ्री ओ टू जो है वो डेट्रिटस और डफ में ठीक है यह आप फ्लो चार्ट अपने लिए रिमेंबर करने के लिए बना सकते हैं मेमोरी चार्ट यहाँ पे जो है फ्रेशली फालन यहाँ पे थोड़े डीकम्पोज होना स्टार्ट होंगे यहाँ पे और डीकम्पोज होना स्टार्ट होंगे और ए वन जो है ह्यूमस दैट इज डार्क कलर यहाँ पे फाइनली जो है वो डिकम्पोज होंगे इस डीकम्पोज हो गए हैं इसको हमने ह्यूमस बोला है दैट इज ह्यूमिफिकेशन ठीक है ए वन में ए टू में क्या होगा ए टू इज नोन है जोन ऑफ ई पहले आएगा एलोविएशन इसको बोलते हैं जहाँ पे लाइट कलर्ड है तो यहाँ से एल्यूमिनियम और आयरन मेनली और बाकी मिनरल्सों यहाँ से वॉश आउट होंगे ए थ्री जो है ट्रांजिशन जोन ए एंड भी ट्रांजिशन जोन बिटवीन ए भी बी हॉरिजन जो है दैट इज अगेन डार्क कलर्ड एंड इट इज़ नोन एज इंपॉर्टेंट है चीज़ बी जो है दैट इज़ नोन एज जोन ऑफ फिर आई बाद में आएगा डबल एल और एलुविएशन इसको बोलेंगे यहाँ पे डार्क कलर है यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो ऐड होंगे यहाँ पे आपने याद रखना जोन ऑफ एलोविएशन आपसे पूछा जा सकता है, है कन्फ्यूजनिंग कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है इसलिए चेक करने के लिए आपने आपको याद है कि नहीं तो जोन ऑफ एलुविएशन किसको बोलते हैं हम ए को ठीक है ए टू ऑरिजिन को विच इज लाइट कलर्ड एंड जो बी वाला है वो डार्क कलर क्योंकि उसमें ऐड हो रहे हैं और यहाँ से वॉश आउट हो रहे हैं फिर सी और डी तो आपको पता ही C D, है सी और डी इसमें पार्शली अनवैदर्ड रॉक्स हैं और इसमें कंप्लीटली अनवैदर्ड रॉक्स हैं ठीक है कम्प्लीटली अनवेदर जो अभी टूटेंगे नहीं टूटी नहीं है वैदरिंग मतलब टू ब्रेक डाउन स्टार्ट होगी ना लेकिन इसमें ब्रेक डाउन नहीं है ये पेरेंट रॉक है बेड रॉक बड़ी बड़ी चट्टान तो अनवैदरिंग अनवैदर्ड वी कैन से अनवैदर्ड रॉक यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ठीक है थीके? और यहाँ पे पार्शली अनबैदर्ड पार्शली ठीक है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई ठीक है आगे हम देखते हैं सॉइल पार्टिकल्स कितने तरह के होते हैं और उनके बेसिस के ऊपर जो सॉइल है वो कितने तरह की होती है और यहाँ पे ये यह आप रिमेंबर कर लेंगे जू टर्मिनोलॉजी ह्यूमिफिकेशन क्या होती है और मिनरलाइजेशन क्या होती है आगे देखिए आगे ही इसमें टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स सो पार्टिकल्स उसके बेसिस के ऊपर जो सॉइल है पार्टिकल्स जो हैं वो चार तरह के पांच तरह के यहाँ पे एक ग्रेवल आगे सैंड ठीक है दो तरह की सैंड है कोर्स और दूसरी फाइन और सिल्ट और दूसरी क्ले ठीक है अब यहाँ पे देखिए ग्रेवल जो है जिसको हम ग्रेवल स्टोन जिनको हम बोलते हैं ठीक है स्टोन जिनको हम बोलते हैं तो उसका साइज जो है हम साइज से पता करते हैं कौन सी टाइप के जो है वो सॉयल पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं अगर टू से और टेन के बीच में प्रेजेंट है तो वो ग्रेवल है यानी टू से ज़्यादा है तो वो ग्रेवल है ज़ीरो पॉइंट टू ये टू के बीच में है तो अब वो कोर्स सैंड है ठीक है अगर उससे भी ज़ीरो पॉइंट टू से अगर कम हो जाता है तो वो फाइन सैंड है जीरो पॉइंट ज़ीरो टू मिली से भी कम हो जाता है तो वो सिल्ट है और उससे भी कम अगर हो जाए तो वो क्या है क्ले है ठीक है यानी सबसे लार्ज साइज किस में होगा ग्रेबल में फिर उससे कम कोर्स सैंड में सैंड आएगी सैंड दो तरह से कोर्स है वो थोड़ी मोटी है फाइन जो है वो फ़ाइन है ठीक है ज़्यादा उसमें सॉयल पार्टिकल जो है वो थिन है तो फाइन सेंड ठीक है उसका साइज़ जो है पार्टी सॉयल पार्टिकल्स का उससे भी कम हो जाएगा फिर सिल्ट आएगी और सबसे जो कम साइज है वो है क्ले का है अब इस बेसिस के ऊपर जो है वो सॉइल जो है वो तीन तरह की अगर आपको ये समझ में आ गया तो सॉइल जो टाइप्स ऑफ सॉइल है वो आपको समझना ईज़ी होगा डायरेक्ट इसको नहीं पढ़ा सकते ठीक है आपको साइज़ जो है वो देखना पड़ेगा ग्रेवल मोटे पत्थर जिसको आप बोलते ग्रेबल स्टोन स्टोन से वो थोड़े कम होते हैं टू टू टेन मिलीमीटर के बीच में उनका साइज है टू से कम है तो कोर्स सैंड ठीक है अगर जीरो पॉइंट टू से भी कम है या जीरो पॉइंट जीरो टू मिली से ज़ीरो पॉइंट टू मिली के बीच में है तो वो फाइन सैंड है इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं अगर 0.02 मिलीमीटर mm से भी कम है तो सिल्ट है और उससे भी कम है 0.002 से भी कम है तो वो कौन सी आगे आपकी क्ले गई अब देखिए इस बेसिस के ऊपर तीन तरह की सॉइल्स हैं फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल देन क्ले सॉइल एंड देन लोमी सॉइल सैंडी सॉइल सैंड सैंड जिसमें सैंड ज़्यादा होगा ठीक है सैंड ज़्यादा होगा जिसमें यानी कि एट्टी उसमें क्या होगा वो सैंड ही होगा हाँ अब यहाँ पे जो रेशो है वो वैरी कर सकती है 80 परसेंट थोड़ी ज़्यादा भी हो सकता है और 80 परसेंट से कम भी हो सकती है कोई फिक्स रेशो नहीं है लेकिन उसमें जो ज़्यादा है वो सैंड होगी लगभग लग एट्टी लग परसेंट और बाकी आप 10 परसेंट उसमें रख लो सिल्ट और बाकी 10 परसेंट जो रख लो उसमें क्ले जो आपने अभी पढ़ा ठीक है सिल्ट का साइज जो वो थोड़ा बड़ा है पा, पार्टिकल्स का और क्ले का जो है सबसे कम साइज जो है वो ज़ीरो जीरो जीरो टू मिलीमीटर से भी कम है ठीक है तो यहाँ पे सैंडी सॉइल एटी पर मोस्ट ऑफ द दॉयल कंसिस्ट ऑफ दैट इज सैंड पार्टिकल्स देन टेन परसेंट कैन से सिल्ट एंड टेन परसेंट कैन से क्ले ठीक है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सैंडी सॉइल जो होगी वो रेगिस्तान तीली मिट्टी होगी ठीक है इस तरह से सैंडी सॉइल तो उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कैसी होती है कम होती है हम यहाँ पे वर्ड याद करेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी कम होगी ठीक है वाटर को पकड़ के नहीं रखती है ना वो अगर आप उसको पानी दोगे रेत में तो वो फिसल जाएगा निकल जाएगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है क्योंकि उसके पोर्स का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है ठीक है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है लेकिन उसमें एरिएशन एरिएशन जिसको हम बोलते हैं एयर का पास फ़्लो जो है वो कैसा है बहुत अच्छा है ठीक है एयर अगर उसको बोलेंगे हम एयर का पास पासिंग जो है वो एयर की वो बहुत अच्छी है जैसे ज़ीरो फाइट जीरो फिटिक प्लांट्स पिछली वीडियो में हमने देखा जीरो फिटिक प्लान जो रेत रेत में होते हैं ठीक है ड्राई हैबिटेट एरिया में होते हैं रेगिस्तान में होते हैं तो उनको क्या होता है रूट सिस्टम जो है वो काफ़ी नीचे तक होता है क्योंकि उनके सॉयल का पार्टिकल क्या है साइज क्या है काफ़ी बड़ा है उनमें पोर्स ज़्यादा है तो वहाँ से रूट्स जो है वो ईजिली जो है वो पास आउट कर जाती हैं ठीक है चीके? ये इसका एडवांटेज है कि इसमें एयर क्वालिटी जो है एरिएशन जो है वो अच्छी है लेकिन उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो पुअर है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वाटर देखो रुकेगा नहीं एक तो वाटर होगा नहीं और होगा भी तो रुकेगा नहीं तो एरिएशन उसमें जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी इसलिए रूट सिस्टम जो है उनका काफ़ी डीप तक होता है शूट सिस्टम जो है वो काफ़ी शॉर्ट होता है क्ले सॉइल आगे देखिए क्ले सॉइल इसमें फिफ्टी या फिफ्टी से ज़्यादा जो है वो क्ले होगी एंड रेस्ट इज सिल्ट और सैंड जो होगी उसमें क्ले में बहुत ही कम होगी अब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम अंदाजा लगा सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी इसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी इसकी काफी अच्छी होगी ठीक है काफी अच्छी होगी लेकिन इसमें एयर क्वालिटी जो है वो पुअर होगी एयर क्वालिटी पुअर होगी हम मेमोरी चार्ट हम इस तरह से याद रख सकते हैं आपको लाइन्स बना के लिखना है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ गुड बट द एयर क्वालिटी और एरेशन इज नॉट गुड ठीक है इसमें वाटर क्लॉगिंग भी हो जाती है ठीक है इतने ज़्यादा सॉइल पार्टिकल जो हैं वो सबसे कम साइज है क्ले का सिल्क का नहीं है क्ले का साइज आप याद रखेंगे क्ले का साइज़ सबसे कम है तो इसमें जो है वाटर क्लॉगिंग होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं ठीक है वाटर होल्डिंग क्योंकि सबसे कम साइज है कम साइज है तो पोर्स क्या होंगे पोर्स जो होंगे उसमें बहुत ही माइन्यूट होंगे माइन्यूट पोर्स उसमें प्रेजेंट होंगे तो उसमें वो वाटर को तो अच्छे से पकड़ के रखेगा लेकिन आपके पौधे को सांस भी तो आनी चाहिए तो एयर क्वालिटी उसमें एयर भी उसमें पास आउट नहीं हो पाएगी इतनी ज़्यादा जो पोर्स हैं वो आपस में पास पास होंगे लास्ट देखिए लास्ट है लोमी सॉइल अब इसमें जो है मैक्सिमम जो है वो क्ले इसमें जो आ, क्ले जो है वो थोड़ी है ठीक है ये वाली आ, लोमी सॉइल में क्ले ट्वेंटी परसेंट थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है सैंड जो है और सिल्ट जो है वो बराबर मात्रा में हम ला ले सकते हैं सिल्ट और सैंड जो है वो एक जैसी रेशो ठीक है और क्ले की थोड़ी रेशो एंड दिस इज़ द वी कैन रिमेंबर इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी एरेशन क्वालिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी होगी एंड दिस इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ ठीक है ये भी आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखेंगे और क्यों है वो भी आपको पता है क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसमें अच्छी है एयर क्वालिटी भी इसमें अच्छी है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो नहीं है लेकिन एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है अगले वाले में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है लेकिन एयर क्वालिटी जो है वो कम है बहुत ही कम है बहुत कम ठीक है इसलिए वाटर को अच्छे से पकड़ के रख रहा है और इसको जितना ज़रूरत है वाटर को वो भी अच्छे से पकड़ के रख रहा है एयर क्वालिटी भी जो है अच्छी है तो लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ अब यहाँ से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम देखिए आगे सॉयल ऑर्गेनिज्म सॉयल ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है लेकिन हम इस तरह से याद रख सकते हैं फ्लोरा वर्ड जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए और फोना वर्ड हम किस के लिए यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए फ्लोरा इज यूज फॉर फ्लावर प्लांट्स एंड फोना वर्ड इज यूज यूज फॉर एनिमल्स तो माइक्रो मतलब जितने स्मॉल प्लांट्स जो होंगे सॉइल के ऊपर दैट वो किसके अंडर आएंगे माइक्रो फ्लोरा के अंडर और जो मैक्रो फ्लोरा ठीक है वो उसमें बड़े बड़े प्लांट्स आपके आ जाएंगे ट्रीज वगैरह आ जाएंगे और इसमें छोटे छोटे प्लांट्स आ जाएंगे हर्ब शब जो भी छोटे छोटे प्लाट्स निकलते हैं वो इसमें माइक्रोफ्लोरा में आ जाएंगे और बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो किस में आ जाएंगे मैक्रोफ्लो माइक्रोफ्लोलोरा में मीजोफ्लोरा भी होता है लेकिन इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है माइक्रोफोना मतलब एग्जाम्पल हमारे पास हो तो हम डिटेक्ट ये इजिली डिटेक्ट कर सकें ये किस में आते हैं माइक्रोफ्लोरा में आते हैं मीजोफ्लोरा में आते हैं कि तो हमें वर्ड याद रखना है माइक्रो मतलब छोटा माइक्रो मतलब बड़ा और फोना मतलब एनिमल और फ्लोरा मतलब प्लांट ठीक तो है तो दूसरा है माइक्रोफोना माइक्रोफोना जिसमें स्मॉल एनिमल्स आएंगे जैसे बैक्टीरिया इस तरह से एक्टिनोमाइसिस इस तरह से सोयल के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे मैक्रोफोन हमें आपके रैबिट वगैरह जो है वो बड़े बड़े एनिमल्स इसमें आ जाएंगे मैक्रोफोन आगे देखिए आगे है देखिए सॉइल वाटर सॉइल वाटर जितना भी टोटल वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर उसको हम बोलते हैं होलाट ठीक है और जो वाट उसमें से जितना प्लांट यूज़ करे कर सके प्लांट के लिए अवेलेबल हो उसको हम बोलते हैं क्रिसाट और जो प्लांट ना यूज़ कर सके उसको हम बोलते हैं एकाट तो तीन टर्मोलॉजी आपको याद रखनी है इसमें होलाड दैट इज़ टोटल वाटर प्रजेंट इन दॉयल उसमें से जितना प्लांट यूज़ करता है कर सकता है दैट इज़ क्रिस और जो होते हुए भी प्लांट जिसको यूज़ नहीं कर सकता उसको हम बोलते हैं अकॉट आगे देखिए आगे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कुछ लिखी हुई है जैसे कुछ सॉइल में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो फेवर करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स को एनिमल्स को जैसे अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा सॉइल में तो वहाँ पे स्नेल्स जो हैं वो ज़्यादा पाई जाएंगी स्नेल जो हैं वो कैल्शियम डेफिशेंट सॉइल में नहीं पाई जाती हैं वो कैल्शियम रिच सॉइल में पाई जाती हैं आगे देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट यहाँ पर लिखा हुआ है एक क्वेश्चन भी है आपको यहाँ पे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं जो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं अपनी नाइट्रोजन कमी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए तो इट मीन्स जो आ, ऐसी सॉइल जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है वो फेवर करेगी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किस पे डिपेंड हो जाएंगे अदर इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेंगे और नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो है वो प्लांट अगर सॉइल में होगी भी तो डायरेक्टली प्लांट उसको नहीं ले सकते ठीक है होगी भी तो वहाँ पर लिगुमिनस प्लांट्स जो होंगे वो होंगे और उनकी रूट नॉड्यूल्स में क्या होंगे राइजोबियम बैक्टीरिया ठीक है प्रेजेंट होंगे और भी बैक्टीरिया थे कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया मेन बैक्टीरिया ठीक है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करता है तो यहाँ पे इस तरह से दो तीन क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो देविकम इंसेक्टिवोरस इन, क्यों वो इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन डैफिशियट सॉइल्स में डेफिशियट uh, सॉइल में पाए जाते हैं और वह अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं और जैसे यूट्रिकुलेरिया है ब्लडरवॉट है नेपेंथिस है दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और uh, अगर नाइट्रोजन अगर रिच सॉइल होगी भी तो वहाँ पे उसके लेगुमिनस प्लांट जो फलीदार पौधे होते हैं उनके रूट नॉड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होगा कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जैसे फॉर एक्जाम्पल राइजोवीम बैक्टीरिया और कैल्शियम रिच सॉयल में स्नेल्स पाई जाएंगी जैसे और देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो टर्मिनोलॉजी है हेलोफाइट्स क्या होते हैं फाइट मतलब प्लांट होते हैं ना तो प्लांट यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है लेकिन हेलोफाइट्स क्या होते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन सलाइन ऑयल जो कि सलाइन आइल में ग्रो करेंगे उनको हम बोलेंगे हेलोफाइट्स जो सैंडी ऑयल में प्लांट्स ग्रो करेंगे उसको हम बोलेंगे जेमोफाइट्स ठीक है जेमोफाइट्स पूरा लिखेंगे आप मैंने वन वार्ड लिखा हुआ है लिथोफाइट्स जो रॉकी सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं रॉक्स के सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं दैट इज दैट आर लिथोफाइट्स चैजमोफाइट्स जो रॉक्स के ऊपर ग्रो करेंगे वो क्या होंगे लिथोफाइट्स और जो इनकी सर्वाइस के में ऊपर ग्रो करेंगे उनके बीच में ग्रो करेंगे वो क्या होंगे चैजमोफाइट्स इसी तरह से क्रिप्टोफाइट्स जो सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं जैसे ऑनियन है पोटैटो है वो सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं आर क्रिप्टोफाइट्स और लास्ट में क्रायोफाइट्स इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना क्रायोफाइट्स जो कि आइस के ऊपर ग्रो करते हैं प्लांट जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखा हो रोडोडेंड्रोन एंड दिस इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश ठीक है स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश रोडो डेंड्रोन जो कि आइस में ग्रो करता है वो है क्रायोफाइट क्रायो प्रिजर्वेशन जैसे आपने सुना होगा चिल ट्रीटमेंट हम देते हैं दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन तो यहाँ पर क्रायोफाइट्स है दैट ग्रो ऑन आइस क्रिप्टो फाइट्स दैट दैट प्लांट्स दैट आर ग्रोइंग बिलो द सॉइल लाइक ऑनियन गार्लिक पोटैटो दीज आर द क्रिप्टोफाइट्स और बाकी टर्नोलोलॉजी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है मिलती जुलती है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ओके थैंक यू क्लास